अब पहले जैसे नहीं दिखेंगे दोस्तों के WhatsApp स्टेटस। आया नया रैंकिंग फीचर। WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए नए फीचर्स पेश कर रहा है और अब एक और नए फीचर की जानकारी सामने आई है। WhatsApp ने ट्वीट कर बताया कि WhatsApp रैंकिंग नाम के नए फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर से WhatsApp उन कॉन्टैक्ट को ऑटोमेटिकली रैंक ऑर्डर में रखेगा जिनसे आप ज्यादा बातचीत करते हैं। WhatsApp की जानकारी के मुताबिक कॉन्टैक्ट्स की रैंकिंग कुछ आधार पर की जाएगी। इसके लिए WhatsApp ने कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे समझा जा सकता है कि ये फीचर कैसे काम करेगा। पहला, यूजर एक दिन में किसी कॉन्टैक्ट से कितनी चैट करता है। इसमें रैंकिंग तीन भागों में बांटी गई है, मैसेज भेजता और रिसीव करता है नॉर्मल रैंकिंग, मीडिया भेजता और रिसीव करता है गुड रैंकिंग और आखिरी अगर यूजर मैसेज इग्नोर करता है बैड रैंकिंग। WhatsApp के जरिए किसी कॉन्टैक्ट को कॉल करने पर भी उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। ग्रुप में किसी कॉन्टैक्ट के मैसेज का रिप्लाई या ज्यादा से ज्यादा मेंशन करना अच्छी रैंकिंग में आएगा। यूजर के किसी कॉन्टैक्ट के स्टेटस अपडेट को देखने और इग्नोर करने पर भी रैंकिंग तय की जाएगी। इसे ठीक से समझने के लिए एक स्क्रीनशॉट दिया गया है। इसमें उदाहरण के लिए स्टेटस सेक्शन को लिया गया है। पहली फोटो में देखें तो इसमें द ब्लू बी आई का स्टेटस ऊपर दिखाई दे रहा है जो 2 मिनट पहले लगाया गया है। इसके नीचे टेस्ट का स्टेटस है जो 22 घंटे पहले लगाया गया है। फोटो में देखें तो इस नए रैंकिंग फीचर के आने के बाद टेस्ट का स्टेटस ऊपर और द ब्लू बी आई का दूसरे स्थान पर दिख रहा है। इसका मतलब है कि टेस्ट को अच्छी रैंकिंग दिए गए आधार पर मिली है। यूजर्स जल्द अपने स्टेटस सेक्शन के ऑर्डर में बदलाव देखेंगे जिसमें कॉन्टैक्ट्स टाइम के हिसाब से नहीं रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे। फिलहाल ये फीचर iOS के बीटा वर्जन 2.1.8.1.0.2.4 के लिए पेश किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि इसे जल्द एंड्रॉयड के लिए भी पेश किया जाएगा।